आधार कार्ड जो है वो जन्मतिथि का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार का डिसीजन अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में दिया गया। केस का नाम है सरोज वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ, ये जो मामला था मोटर दुर्घटना से संबंधित था, जिसमें 2015 में एक व्यक्ति की रोड दुर्घटना में मौत हो गई, जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे ने जो है क्लेम लेने के लिए दावा किया। सबसे पहले एमसीटी के तहत यानी कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण में एमसीटी ने जो आधार बनाया उम्र का, वो स्कूल का जो मान्यता प्राप्त स्कूल जो होगा उसका जो अवकाश प्राप्त प्रमाण पत्र होता है यानी कि जो त्याग पत्र होता है स्कूल का, उसको वहाँ पर एज का वैलिड आधार माना। बट यहाँ पर एमसीटी के डिसीजन को जो है चुनौती दी गई पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में एज को डिसाइड करने के लिए आधार कार्ड को जो है जन्मतिथि का प्रमाण माना। बट यानी कि पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए डिसीजन को फिर से चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे एक्ट के सेक्शन 94 के अंतर्गत उम्र को निर्धारित करने के लिए जो वैधानिक मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उनका जो अवकाश प्राप्त प्रमाण पत्र होता है उसको ही जन्म का आधार बनाया जाएगा, क्योंकि इस मामले में जो जन्म तिथि थी वो आधार कार्ड के अंतर्गत 47 वर्ष की थी और जो किसी भी वैधानिक मान्यता प्राप्त स्कूल का जो अवकाश प्रमाण पत्र होता है उसमें 45 साल थी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसीटी के डिसीजन को वैलिड माना और कहा कि हम आधार कार्ड को अन्य मामलों में पहचान के माध्यम से यूज कर सकते हैं, बट किसी भी ऐसे मामले में जहां पर उम्र के संबंध में कोई प्रश्न हो वहां पर आधार कार्ड के बजाय वैधानिक मान्यता प्राप्त स्कूल का जो त्याग पत्र प्रमाण पत्र होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मना कर दिया कि इसको उम्र के आधार के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन को उलट कर एमसीटी यानी कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा जो धनराशि क्लेम के लिए निर्धारित की गई थी उसको वैलिड माना। धन्यवाद।